राइड की हो गई है शुरुआत घर से निकलते हुए। वैसे तो हो गए बहुत लेट, हमें निकलना था सुबह 5 बजे, लेकिन अब लगभग बज रहे हैं 7:30। इतना क्या हुआ, रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। हम जितने भी राइडर हैं सभी को सुबह यही कह रहे थे कि किसी को भी नींद नहीं यार। एक तो एक्साइटमेंट इतनी थी निकलने की, तो उसके चक्कर में नींद ही नहीं आई, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। वैसे तो नींद लेनी ज़रूरी थी क्योंकि लंबा सफ़र है, आज मनाली तक जाएंगे, लगभग 500 किलोमीटर है, तो लगभग हमें 12-13 घंटे लगने वाले हैं मनाली पहुंचने में। बाकी फराज भाई, हयात भाई कर रहे हैं वेट हमारा बाहर मेन रोड पे। साथ मेरे पीछे बैठा है पिलियन। अल्लाह सब खैरियत से निमटवाए, राइड हमारी सेफ़ हो। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, हमारे लिए दुआ करें, प्रेयर करें, प्रार्थना करें, हमारी राइड जो है ना सेफ हो, बिल्कुल सेफ हम जाएं, सेफ वापस आएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीनों बाइक हमारी, दो बाइक वो हैं, एक बाइक ये है, एक और बाइक जानी थी वो शायद कैंसिल हो गई किसी वजह से। सहारनपुर कर दिया है हमने पार। थोड़ी सी दिल में जो है ना एक हलचल सी भी है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है उस जगह का। बाकी देखते हैं जैसे भी होगा। थकन सी हो गई, थकन सी क्या, बस लगा थोड़ा सा रुकते हैं एक बार, तो यहाँ पे लगभग 5-7 या 10 मिनट का रेस्ट लिया है, उसके बाद चल रहे हैं फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड। तो आप कसम खुदा की बहुत दिन से इंतज़ार था इस राइड का, बहुत दिन से नहीं काफ़ी सालों से इंतज़ार था इस राइड। फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये वाली राइड स्टार्ट हो गई। अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली। यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए, खाना क्या, सुबह ब्रेकफास्ट भी हल्का सा किया था घर से, भूख सी लग रही थी अभी, वैसे तो 11:30 बजे थे। बाकी रुके थे यहाँ पे, थोड़ा डोसा वोसा खाया, चाय पी है। बाकी की अब आगे की राइड करते हैं कंटिन्यू। हयात भाई कर रहे हैं अपना टेल बैग सही, अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और ये नालागढ़ है हिमाचल में, नालागढ़ यहाँ पे हम रुके, चल रहे हैं यहाँ से। अब देखो कहाँ पे रुकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं माउंटेन, राइड में थोड़ा सा फन आने लगा है अब। आगे बहुत टॉप पे यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। साजिल भाई जा रहे हैं जस्ट आगे, बहुत अच्छी लीनिंग कर रहे हैं साजिल भाई भी। You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't. भाई देखो इसमें कोई बुराई तो है नहीं भाई, रेडर है इतनी दूर से चला रहा, पिसाब तो आवेगा ही। हालत हो गई थी खराब, तो थोड़ा सा गर्मी बहुत है यहाँ पे, गन्ने का जूस है तो गन्ने का जूस पियेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही, पर व्यू चेक करें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। यहाँ पे छोटा सा डैम है, इधर पानी इकट्ठा होया हुआ है तो छोटा, पर ये डैम है यहाँ पे। ये टनल है, बहुत लंबी टनल है, बहुत देर से चल रही, और इसमें पूरी टनल में जाम लगा हुआ है एक साइड में। ये भी अच्छा है कि एक साइड खाली है तो हम लोग निकल पा रहे हैं आराम से। ये टनल हमने कम से कम, हमें लग गए इसे पार करने में 20 मिनट कम से कम लग गए हैं। खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे, पहाड़ बहुत ऊंचे हैं। जब से घर से निकले हैं ये यहाँ आगे थोड़ा अच्छा सा लगा है, मेरे ख्याल से कोई जाम लगा हुआ है छोटा मोटा। I've been here before, said goodbye. Oh, I are you the one? रात के बज गए हैं 9 और मनाली पहुंचने में अभी भी लगभग हमें लग जाएगा आधा घंटा, और 9:30 यानी हमें चलते हुए हो गए 14.5 घंटे हो चुके हैं हमें घर से निकले हुए। अभी लगभग आधा घंटा और लग गया तो 14.5 घंटे बहुत बैठते हैं। सुबह 7 बजे से बाइक चला रहे हैं और रात के बज गए हैं 9:30। आई थिंक वो सामने पूरी मनाली है। कल मनाली पूरे दिन रुकेंगे, कल वहाँ से परमिशन वगैरह बनवाएंगे, परसों निकलेंगे हम लेह लद्दाख के लिए।
वहाँ पहुँच लगेंगे हमें पहुँचने में 2 दिन। भाई सबकी हालत खराब हो गई, ये पड़े उल्टे सीधे। साहब रूम ये एक ये है, इसमें अटैच एक दूसरा है, बड़ी मुश्किल से मिले। हालत खराब हो गई रूम में ढूंढते हुए, पहुंचे ही हम यहाँ पे 10 बजे, फिर 1 घंटा लग गया हमें रूम ढूंढने में। अभी जाएंगे खाना खाने, देखते हैं फिर मौका लगा तो बात होगी, नहीं तो सुबह मुलाकात होगी इंशाल्लाह। How can I